फ्रेंड्स, इंडियन ट्रैवलर में आपको बहुत स्वागत है। आज जो जगह हम जा रहे हैं उसका नाम है स्ट्रीट किचन। भाई वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे कुछ हम खाना ट्राई करेंगे, उसको बताएंगे उसका टेस्ट कैसा है। भाई तो ये एक दुकान का एरियल व्यू है बाहर से, ये आप देख सकते हैं। ऊपर सीटिंग जो स्पेस है रेस्टोरेंट का यही है, और साथ में इन्होंने स्विगी में भी ये डिलीवरी देते हैं, यही सब है। और जैसे इसका मैं आपको बताऊँ लोकेशन, तो ये रेन फॉरेस्ट वंस मोर का रेस्टोरेंट है। ये यहाँ पे आइसक्रीम और बेकर्स का पार्लर जस्ट बगल में ही है। आज हम एक और फूड जॉइंट आए हुए हैं जिसका नाम है द स्ट्रीट किचन, और मेरा फ्रेंड करण यहाँ पे लाया, तो उसके बारे में आपको और बताएगा। हाँ, मैं यहाँ पर आता रहता हूँ, लगभग 4 से 5 साल से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। स्ट्रीट किचन का टेस्ट रीवा में एक यूनिक टेस्ट है और बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है। यहाँ की आप हांडी पनीर, पंजाबी पनीर, तड़का पनीर लेंगे तो उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है, यूनिक टेस्ट। और चिकन आइटम्स का भी बहुत अच्छा टेस्ट रहता है यहाँ पर। भाई आगे हम इसका मेन्यू देखते हैं और उसको टेस्ट करके जानते हैं। तो यहाँ का जो मेन्यू है, सबसे पहले बता दूँ कि ये दो कार्ड्स हैं यहाँ के। सबसे पहले हम फर्स्ट कार्ड देखते हैं, ये यहाँ के वेजिटेरियन आइटम्स, पनीर आइटम्स, पनीर मसाला, ये सब है। और जब देख सकते हैं साथ में पिज़्ज़ा वगैरह भी है। तो इसके बैक साइड में हम देखते हैं यहाँ पे चाइनीज़ आइटम्स है, वेज सूप, ये सब जो भी है। और इसके अलावा एक और मेन्यू कार्ड है जो कि ये है। तो हम यहाँ पे कुछ ऑर्डर करते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे हमने ये ऑर्डर किया है। तो अब हमने अपना ऑर्डर कर दिया है, और जो हमने ऑर्डर आइटम्स किए हैं उसमें सबसे पहला है पनीर, पनीर मशरूम मसाला, और उसके आगे जो हमने उसके आगे हमने मंगाया एग करी, जैसे कि थोड़ा वेज और नॉन वेज में डिफरेंशिएशन हो जाए, कुछ टेस्ट में वेरिएशन की जा सके। और उसके बाद रोटी में भी हमने दो तरह की रोटी मंगाई है। तो पहली रोटी हमने मंगाई है लच्छा पराठा मंगाया है हमने, और उसके बाद दूसरा मंगाया है बटर रोटी, तंदूरी बटर रोटी, ताकि दोनों रोटी में वेरिएशन हो सके। तो आइए अब वो आइटम्स आ जाएँ और उसको हम बताते हैं, क्योंकि इसने बहुत तारीफ की थी कि यहाँ बिल्कुल हमें चलना चाहिए। तो हम यहाँ पे भी हम इसका आज चलते हैं, रिव्यू कैसा है। तो अब हमने जो खाना मंगाया था आ चुका है, ये अब लच्छा पराठा देख रहे हैं, ये एग करी है, और इसके साथ में जो हमने पनीर मशरूम मंगाया था वो है, और वो उधर ऑनियन सलाद। आइए इसको टेस्ट करते हैं और समझते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो अब आप इसको बड़ा टेस्ट, क्योंकि आपने रेकमेंड किया था इसलिए पहले हम आपसे टेस्ट जानेंगे। तो आप शुरू करिए। लच्छे पराठे के साथ पहला बाइट लेते हैं। ठीक है, बहुत ही जूसी मशरूम है, और ये हमने जो मशरूम पनीर मसाला मंगाया है बहुत ही अच्छा टेस्ट है, एकदम मसालों का एप्रोप्रिएट मिक्सचर है, बहुत ही जूसी। और इसमें आप देख रहे होंगे तो पनीर कैसे इसमें क्रश करके डाला गया ऊपर से, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। देखने से और खाऊँगा आपको और बताऊँगा। और ज़रा ये दूसरा डिश भी ट्राई कीजिए। मैंने एग करी ऑर्डर किया है, इसको भी ट्राई करते हैं। एग करी बहुत लाजवाब है, एग को जिस तरह से फ्राई करके और करी में डाला गया है, और जो ग्रेवी है वो भी बहुत, आप देख रहे हैं एकदम मिक्सचर थिक ग्रेवी है, ऑयली नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऑयली नहीं है, जैसे आप नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाएंगे वहाँ काफ़ी ऑयली ग्रेवी होती है और मिर्च भी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका टेस्ट काफ़ी अच्छा नहीं होता, यहाँ पर एकदम अप्रोप्रिएट टेस्ट है। ठीक है, ओके। और अगर बात की जाए रिव्यू की तो कितने स्टार्स आप देंगे? मैं इसको 9 स्टार्स दूंगा। दोनों डिश को बिल्कुल। ठीक है, ओके। और अगर बात हम करें कि रिकमेंडेशन की, अगर मैं कहूँगी इसको रेकमेंड करेंगे तो आप क्या बताएंगे? बिल्कुल रेकमेंड मैं करूँगा, और कहूँगा कि यहाँ पर आप एक जरूर आप यहाँ पर एक बार आएंगे, अगर आप फूड लवर हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल, तो जी यहाँ का यूनिक टेस्ट रहता है रीवा में, अगर आप आएंगे खाने पीने के लिए शाम को, और आप अफोर्डेबल बजट रेस्टोरेंट में आप ट्राई करना चाहते हैं, और साथ ही इतना अच्छा एम्बियंस, आपको यहाँ का एम्बियंस दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा एम्बियंस है यहाँ का, नेचुरल एम्बियंस आपको मिल रहा है, तो स्ट्रीट किचन को मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा। आइए, जो हमने डिश ट्राई किया था वो आ चुका है, ये हमारा एग करी है, ये हमारा पनीर मशरूम है, और ये लच्छा पराठा है। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं, जानते हैं इसका टेस्ट कैसा है। लच्छा पराठा थोड़ा सा बढ़िया है, ये हम ट्राई करेंगे पनीर मशरूम के साथ।
प्रॉपर फ्राइड और फ्रेश आइटम्स के साथ ये तैयार किया गया है। इसकी ग्रेवी काफ़ी बढ़िया है, ऑयली बहुत ही कम है, ये कह लें कि सफिशेंट अमाउंट ज़्यादा ऑयली नहीं है। तो इसका टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और कपाल के लच्छे पराठा, लच्छे पराठा में सिर्फ एक मैंने अभी तक जो लच्छे पराठा खाए थे वो काफ़ी देखने में काफ़ी बड़े होते हैं और थोड़ा सा हैवी भी होते हैं, ये थोड़ा सा पतला है, बट ठीक है, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम ट्राई करेंगे सेकंड डिश के साथ जो कि है एग करी। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें आपको बिल्कुल भी ऑयली बहुत ही कम दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें ऑयली अगर एग करी होती है, करी किसी चीज़ होती है तो खाने में तो मज़ा नहीं आता है। अब हम इसको ट्राई करेंगे, पहले हम ये भी ट्राई करते हैं, उसके बाद हम ट्राई कर लेंगे। उसकी ग्रेवी का जो टेस्ट है वो माहिर ग्रेवी समझे, मैंने इससे पहले जो भी एग करी खाई काफ़ी अलग इसका टेस्ट है, इसमें से अलग भुना हुआ टेस्ट कुछ आ रहा है, टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब इसमें हम और एक बाइट इसकी लेंगे अंडे के साथ। इसका टेस्ट भी अच्छा है, बट जो मैंने टेस्ट ज़्यादा इन्जॉय किया वो इसका था, क्योंकि मेरे को मशरूम बहुत पसंद है, बट मशरूम के आइटम बहुत ही कम मिलते हैं रीवा में, बट फिर भी ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी और दोनों ही रिकमेंडेबल हैं, आप सब ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको वीडियो पसंद आया हो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, आपके कोई सवाल और सुझाव तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और ऐसे ही ट्रैवल और फूड वीडियो से जुड़े रहने के लिए इंडियन ट्रैवलर को सब्सक्राइब करिए और छोटा सा जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए, ताकि जब मैं वीडियोज़ पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और स्टे ट्यून, मैं आप सबके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ।